वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको सैमसंग कीबोर्ड के अंदर सजेस्टेड स्टिकर्स चाहिए आपको जब आप टाइपिंग करते हैं तब, ठीक है, तो उस फीचर को आप कैसे इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो है सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की ओर जाना है और यहाँ पर जनरल मैनेजमेंट दिख जाता है, तो जनरल मैनेजमेंट पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें सैमसंग कीबोर्ड सेटिंग्स दिखाई दे जाती है, तो सैमसंग कीबोर्ड सेटिंग्स पर हमें यहाँ पर चले जाना है। अब यहाँ पर जैसे ही जाएंगे तो टाइप स्मार्ट टाइपिंग में तीसरे नंबर पर यहाँ पर ये फीचर आपको मिल जाता है। देखिए यहाँ पर ये इमोजीज को आपके लिए सजेस्ट करता है एल्गोरिदम के हिसाब से, तो अगर आप यहाँ पर इसको करना चाहें इनेबल तो कर सकते हैं और डिसेबल करना चाहें तो डिसेबल भी रहने दे सकते हैं। तो ये प्रोसेस रहता है इसका इजी सा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।